आज हम लोगों का 2 इंच का टेस्ट है, उसमें भी 160 शेड्यूल का पाइप है 2 इंच का, जिसमें GTAW प्लस SMAW का टेस्ट है। और पहले हम एक 6 इंच का टेस्ट मारे थे जिसमें बेल्डर नंबर मिल गया था, जो हमारा बेल्डर नंबर है 286 और एक मेरे दोस्त हैं उनका बेल्डर नंबर है 296, जो अभी आप देख सकते हैं 296 सेम टेस्ट है दोनों आदमी का। सुरेश कुमार महतो, इनका भी 160 शेड्यूल का पाइप है और GTW प्लस SMAW 2 इंच में हमको मारना है आज। तो आज हम चलते हैं इसी को कंप्लीट करने के लिए, उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं टॉर्च के बारे में। ये टॉर्च है, इसमें ये एक सिंपल टॉर्च होता है जिसमें ये बॉटम है, इसको पुश करने के बाद ये चालू होता है, लेकिन कभी भी वो करंट पे अर्थिंग पे लगा होना चाहिए तभी वो चालू होगा। इस टॉर्च में बैकअप टॉर्च में सिरामिक कप, एक टंगस्टन रॉड है जो 2.4 mm का होता है, क्वालिट होता है। और ये रूट गैप के बारे में आप बोल रहे हैं, हम रूट गैप का भी, रूट मारते समय गैप अच्छा होना चाहिए जिसका कम से कम 4 mm तक फ्री होना चाहिए, तभी जाके आपका अच्छा रूट आएगा। अगर उससे कम होगा तो रूट मारते समय दिक्कत होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड है टीग इलेक्ट्रोड, ये 2.4 mm का होता है, इसके लिए कभी भी रूट गैप 4 mm होना चाहिए। ये 3-in-1 मशीन है जिसमें GTW, SMAW और GMAW तीनों वेल्डिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी हम लोग टिग पे स्टार्ट करके रखा हुआ है इस, और करंट तो अपने हिसाब से एम्पियर आप ले सकते हैं, बेल्डर का जो भी मारने का तरीका होता है अपने हाथ के ऊपर डिपेंड करता है, कौन कितना तेज़ मारता है उसके हिसाब से आप करंट सेट कर सकते हैं इस मशीन में। ये आर्गन सिलेंडर, रूट मारते समय आप ध्यान रखें कि कभी भी गैस फ्लो, जो गैस का फ्लो है वो कभी भी 22 या 22 तक होना चाहिए, 20 या 25 के बीच में होना चाहिए गैस फ्लो। गैस कम होगा तो पोरोसिटी आने का चांस ज़्यादा होता है। ये आर्गन सिलेंडर है। हम दोनों आदमी आज टेस्ट होगा 2 इंच में दोनों आदमी का, पहले हम लोग 6 इंच का मार चुके हैं और 160 शेड्यूल का पाइप है ये। हम आपका पेनिट्रेशन तो नहीं दिखा सकते क्योंकि बहुत छोटा पाइप है, इसमें पेनिट्रेशन अच्छा दिखाई नहीं देगा कैमरा से। यही सब बात है। WPS आप लोगों को मालूम है, बेल्डर प्रोसीजर होता है उसमें WPS, इसका इंटर पास टेम्परेचर 220 है, उसमें फ्री हीट है ओनली 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। कोई भी हर जॉइंट का अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग WPS होता है, जिसके उसके WPS के हिसाब से उसका इंटर पास और फ्री हीट रखा जाता है। ये टॉर्च आप लोग देख सकते हैं, टॉर्च को आर्गन टॉर्च है, हालांकि इंडिया में ये टॉर्च बहुत कम जगह पर चलता है, इसमें मारने में आसानी होता है क्योंकि ये केवल बटन पुश करने पर ये चालू होता है। अपने यहाँ क्या होता है कि स्पार्क करना पड़ता है, स्पार्क करते समय जो ये 2.4 का टंगस्टन रॉड है वो ख़राब हो जाता है, और ये बटन वाला टॉर्च होता है कि इसमें स्पार्क नहीं करना पड़ता है, केवल बटन को पुश कीजिए और ये गैस फ्लो होगा, उसके बाद चालू हो जाएगा, फिर बटन को दबाएंगे आप तो फिर ये टॉर्च बंद हो जाता है। तो इसमें टंगस्टन ख़राब होने का चांस बहुत कम होता है, ये अच्छा सिस्टम है जो गल्फ में हर जगह मिलता है, ये अपने यहाँ तो बहुत कम देखने को मिलता है इंडिया में। ये हमारे भाई दोस्त सरोज कुमार महतो जो अभी रूट स्टार्ट करेंगे, यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है लेकिन फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं छुपके से, क्योंकि कोई क्लाइंट अभी हमारे पास है नहीं, क्लाइंट आ जाएगा तो साथ में टेस्ट होगा तो हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, इसलिए हम आपको मारते हुए नहीं दिखा सकते, कभी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रूट मारते हुए दिखाएँगे, लाइव दिखाएँगे आपको, अच्छा से दिखाएँगे और वो भी बताएँगे कैसे रूट मारते हैं, कैसे हार्ड पास मारते हैं, और बिल्डिंग का भी प्रोसीजर होता है, रूट पास, हॉट पास, फिलअप, काइपिंग, जो मारना होता है। तो हम थोड़ी देर में बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे हम दोनों आदमी।
बस आप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं YouTube पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है YouTube पे, और आप जो भी आप लोग का विचार है आप कमेंट बॉक्स में अपने राय रख सकते हैं। आपके लिए